गर्मियों के मौसम में आप सभी बच्चों ने बारिश का लुत्फ तो उठाया ही होगा, पर आपने कभी सोचा है कि अचानक से पृथ्वी पर इतने सारे पानी गिरने का कारण क्या है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी का तकरीबन 71% हिस्सा पानी से ढका है, तो दिन के समय सूर्य की उपस्थिति में जब जलीय भाग गर्म हो जाते हैं तब ये बहुत ही बड़ी मात्रा में जल वाष्प बनाते हैं। अब ध्यान दें कि पानी के ठीक ऊपर की हवा भी गर्म होती है। अब ये गर्म वायु अपने साथ जल वाष्प को लेकर ऊपर की ओर जाती है और गर्म जलीय भाग से ऊपर की ओर जाने पर यह वायु ठंडी होती रहती है। वायु के ठंडा होने के कारण जल वाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों में संघनित हो जाते हैं। अब सोचिए ये जल की बूंदें कहाँ जाती हैं? यह जल की बूंदें धूल के कण और अन्य निलंबित कण के आसपास संघनन होने लगती है। संघनित होने के कारण यह जल की बूंदें बड़ी होने लगती हैं और बादल का रूप ले लेती हैं। जब ये बूंदें बड़ी और भारी हो जाती हैं तब ये वर्षा के रूप में नीचे की ओर गिरते हैं। और ये नीचे कैसे आती है? ये जल की बूंदों के रूप में ही नीचे आती है, जिसे हम बारिश के रूप में देखते हैं। और कभी कभी जब वायु का तापमान काफी कम हो जाता है, जैसे कि आपने पहाड़ी इलाकों में महसूस किया ही होगा, तब ये जल की बूंदे के बजाय हिमवृष्टि मतलब स्नो, जिसे हम सरल भाषा में बर्फ भी कहते हैं, और ओलों के रूप में अवक्षेपित हो जाती हैं। चलिए मैं आपको एक रोचक बात बताती हूँ। हमारे भारत में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। तब मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे अचानक से इतना सारा पानी वर्षा के रूप में ऊपर से गिरता है। धन्यवाद।